दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूटी की। स्कूटी जो आजकल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आजकल हर कोई स्कूटी चाहता है, चाहे वो युवा हों जो कॉलेज जा रहे हों, या फिर परिवार जो अपने दैनिक कामों के लिए स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हों। कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, या फिर मार्केट, स्कूटी सबसे बढ़िया सवारी है। ये न केवल समय बचाती है बल्कि ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी स्कूटी खरीदें। बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि सही स्कूटी चुनना मुश्किल हो सकता है। पेट्रोल वाली या इलेक्ट्रिक वाली, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो यह लंबी दूरी के लिए बेहतर होती है और चार्जिंग की चिंता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए बेहतर होती है और चलाने में भी सस्ती पड़ती है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए समय और सुविधाएं चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सी स्कूटी आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले अपने उपयोग और बजट को ध्यान में रखें। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो पेट्रोल स्कूटी बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और छोटी दूरी तय करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसके अलावा स्कूटी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को भी ध्यान में रखें, जैसे कि माइलेज, मेंटेनेंस और अन्य सुविधाएं। कुछ स्कूटियों में एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले, GPS और मोबाइल कनेक्टिविटी। और हाँ, खरीदारी से पहले टेस्ट राइड जरूर लें, इससे आपको स्कूटी की परफॉर्मेंस और कंफर्ट का अंदाजा हो जाएगा। और अंत में अपने बजट के अनुसार सही डील पाने के लिए मोल भाव करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा स्कूटी के बारे में। उम्मीद है कि अब आप सही स्कूटी चुनने में सक्षम होंगे। सुरक्षित रहें और खुशहाल यात्रा करें। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, या फिर बाजार की तरफ रुख करना हो, पेट्रोल स्कूटी हमेशा से हमारी साथ ही रही है। इनके बारे में सब जानते हैं, ये हर गली हर मोहल्ले में दिख जाती है। इनकी पहचान इतनी आम हो चुकी है कि हम इन्हें बिना सोचे समझे ही पहचान लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये सस्ती होती है, इन्हें खरीदना आसान है, इनका माइलेज भी ठीक ठाक होता है। एक बार टंकी फुल करवा लो तो कई दिनों तक चिंता नहीं करनी पड़ती। और हाँ, पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल स्कूटी के कुछ नुकसान भी हैं। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर बार जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो जेब पर भारी पड़ता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, हर महीने पेट्रोल के खर्चे में इजाफा होता जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। प्रदूषण भी बहुत फैलाती हैं ये स्कूटी। हर बार जब हम इन्हें चलाते हैं तो ये धुआं छोड़ती हैं। ये धुआं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, हमारे शहरों की हवा को खराब करता है। और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। और इनकी देखभाल में भी खर्चा होता है, समय समय पर सर्विसिंग करवानी पड़ती है, कभी इंजन में दिक्कत, कभी टायर बदलवाने की ज़रूरत। ये सब खर्चे हमारे बजट को प्रभावित करते हैं, और अगर स्कूटी पुरानी हो जाए तो ये खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेट्रोल स्कूटी अभी भी दमदार है? क्या ये हमारे लिए सही विकल्प है, या फिर हमें कुछ नया सोचना चाहिए? आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ गई हैं, ये पर्यावरण के लिए बेहतर हैं और चलाने में भी सस्ती पड़ती है। लेकिन क्या ये पेट्रोल स्कूटी का मुकाबला कर सकती है? इलेक्ट्रिक स्कूटी के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। इन्हें चार्ज करने के लिए समय चाहिए और चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं मिलते, लेकिन इनका मेंटेनेंस कम होता है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तो क्या हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ रुख करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। हमें अपने बजट, अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। पेट्रोल स्कूटी ने हमें सालों तक सेवा दी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम नए विकल्पों पर भी विचार करें। क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? इलेक्ट्रिक स्कूटी एकदम नई और स्मार्ट सवारी है। ये स्कूटी न केवल आधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि इनका डिजाइन भी बहुत आकर्षक है। शहर की सड़कों पर चलते हुए ये स्कूटी एक अलग ही पहचान बनाती है। इनका स्मार्ट डिजाइन और स्टाइलिश लुक हर किसी का ध्यान खींचता है। ये देखने में भी अच्छी लगती है और चलाने में भी मजेदार। इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी करना एक अद्भुत अनुभव है। ये स्कूटी न केवल आरामदायक होती है बल्कि इनकी सवारी करते समय आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। लोग इन स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाती। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी है।
ये स्कूटी ग्रीन एनर्जी का उपयोग करती है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आती है। इसके अलावा ये स्कूटी शोर भी नहीं करती, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। एक स्वच्छ और शांत वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बेहतरीन विकल्प है, और बिजली तो पेट्रोल से सस्ती होती ही है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जबकि बिजली की कीमतें स्थिर रहती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने में बहुत कम खर्च आता है। पेट्रोल की तुलना में बिजली का उपयोग करना बहुत ही किफ़ायती है। इससे आपके मासिक खर्चों में भी कमी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी थोड़ी महंगी आती है। हालांकि इनकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये स्कूटी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इसके अलावा सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती है, जिससे इनकी कीमत और भी कम हो जाती है। इनकी बैटरी को चार्ज करने में भी समय लगता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में कुछ घंटे लग सकते हैं। हालांकि अब कई फास्ट चार्जिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिससे बैटरी को जल्दी चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आप इन्हें रात में चार्ज कर सकते हैं, जिससे दिन में आपको कोई परेशानी नहीं होती। और चार्जिंग स्टेशन अभी उतने नहीं हैं, हालांकि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग और भी आसान हो जाएगा। भविष्य में इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, पैसा तो सबके लिए जरूरी होता है। पेट्रोल स्कूटी सस्ती तो होती है, लेकिन पेट्रोल महंगा है। इलेक्ट्रिक स्कूटी महंगी तो है, लेकिन बिजली सस्ती है, तो समझ नहीं आता क्या करें। पेट्रोल स्कूटी में तो आप टंकी फुल करा के बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैटरी का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं दूर जाना हो तो पहले देखना पड़ता है कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ है। पेट्रोल स्कूटी के पुर्जे तो हर जगह मिल जाते हैं, मैकेनिक भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी नई है। इनके पुर्जे और मैकेनिक ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आजकल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पेट्रोल स्कूटी तो प्रदूषण फैलाती ही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, दोनों ही स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी सस्ती और आसानी से मिल जाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी महंगी तो है, लेकिन पर्यावरण के लिए अच्छी है। अगर आपका बजट कम है तो पेट्रोल स्कूटी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेस्ट है। फैसला आपको खुद करना है।